उज्जैन शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। दरअसल शनिवार और सर्वपित्र अमावस्या एक साथ होने पर देर रात से ही दूर दूर से आए श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान कर पुण्य कमाते नजर आए। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर स्नान कर शनि मंदिर के दर्शन भक्तों ने किए। साथ ही भक्तों ने अपने अपने जूते चप्पल भी दान के रूप में छोड़ दिए। हालांकि परंपरा है कि त्रिवेणी नदी में ही स्नान किया जाए, लेकिन बारिश अधिक होने से श्रद्धालुओं को फव्वारे के द्वारा ही स्नान करवाया गया। 20 सालों बाद सर्वपित्र अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। दोनों हम पति पत्नी आए, शनिश्चर आप है। यहाँ करीबन 2-2.5 लाख व्यक्ति की भीड़ है। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस वालों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, पानी की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। सभी जो है सभी दर्शन भी बढ़िया हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सर्वपित्र अमावस्या 7 वर्ष में जो आई है, उसमें कई वर्षों में ऐसा योग बना है कि आज शनिश्चरी अमावस्या का पर्व भी आया हुआ है। और शनिश्चरी अमावस्या 7 पक्ष में आई है और 2-2 योग बने हैं, इसलिए काफ़ी दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और आस्था की डुबकी जो है शनि मंदिर त्रिवेणी पर लगा रहे हैं। जी, इस मंदिर में जो है भगवान का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया है, पगड़ी वगैरह भगवान को पहनाई गई है और बाबा का 56 भोग लगाया था। शाम को महाआरती की गई थी और सतत अभिषेक चल रहा है भगवान का यहाँ पर। शासन द्वारा यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं और फव्वारे से स्नान किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर नदी में जो है पानी गहरा है और कीचड़ वगैरह की मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। कल से ही अत्यधिक बारिश होने के कारण शासन द्वारा यहाँ पर फव्वारे लगाए हैं और फव्वारे लगाकर ही स्नान किया जा रहा है। हम लोग ग्वालियर मध्य प्रदेश शिवपुरी से आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बाबा का श्रृंगार और गजब की भीड़ है देखने लायक है, और प्रशासन व्यवस्था भी अच्छी है। और घाट पे पानी नहीं था, मतलब पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, इस कारण से पाइपों में जो पानी आया था उससे हमने स्नान करा और सर बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है और हमें अच्छा लगा। श्री अमावस्या 28 तारीख को पड़ रही है और संयोग की बात है कि उस दिन सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या भी पड़ रही है। 2 दिन पहले भी शिप्रा नदी में पानी काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा था और उसके चलते जो हमारे त्रिवेणी घाट पर तट हैं वो जलमग्न थे। कल पानी उतरा था, लेकिन आज फिर से बारिश होने से ऐसी संभावना बन रही है कि हो सकता है वापस से तट हमारे जलमग्न ही रहेंगे 28 तारीख को। तो उसको लेकर हम लोगों ने जो स्नान की व्यवस्था है और चेंजिंग रूम की व्यवस्था है उसको घाट से ऊपर ही हम लोगों ने प्लान कर दिया है। और जो घाट का एरिया है वो पूरा ब्लॉक करके हम लोगों ने उसको नो मैंस जोन बनाया है, जिससे कि नीचे कोई जा ना सके और कोई भी अप्रिय स्थिति या कोई भी अप्रिय घटना होने से हम लोग बच सकें। पूरा एरिया हमारा सीसीटीवी से लगातार निगरानी में रहेगा और घाट पर हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड के सैनिक और वॉलंटियर्स को लगाया है। इंश्योर ये कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्नान बहुत सेफ मैनर में हो सके। कोई चाहे वो हमारा नया घाट हो त्रिवेणी का, चाहे पुराना घाट हो, चाहे वो आगे के ब्रिज की तरफ से हो, रोड के पास से जो निकलता है, कोई भी नीचे ना जा सके।